बस 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 आगे मत जाओ ना यार, मत जाओ भाई, रुको रुको, मेरी पार्टी है। अरे टिकड़े को इधर खड़ा कर, इधर खड़ा कर, प्रेसिंग इधर खड़ा कर। डॉक्टर जीतिया, हां ठीक है, मालूम आगे आगे। अरे भाई कौन है ये नीचे? रुकिए रुकिए, डॉक्टर बिटिया जी रुकिए। मैम ये साइड में आ जाइए मैम, यहाँ 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 पे पीछे से क्लियर कर दो, पीछे से क्लियर। सिक्योरिटी मैडम इधर आ जाइए मैडम। अरे वो लाइट देख रही है मोबाइल। बिटिया जी यहाँ। अरे फिर कहीं चार ही बाजू लगा घूमेगी पीछे खड़ा कर। मैडम समोर विद्याम सामने एकदम मैम सेंट्रल में विद्या जी वन मोर यू मैम मैम सामने घंटा लाइट विद्या जी लास्ट में विद्या जी बंद कर देगा थोड़ा इधर आ जाओ। ओके थैंक यू मैम सामने मैम जस्ट होल्ड मैम चलो चलो विद्या में थोड़ा इस तरफ आ जाओ विद्या जी मारो भी जा रहे हैं वही अटक क्या रवि क्या हुआ? रवि अरे हो गया ना अभी विजय भाई पीछे और पीछे और पीछे पीछे आना सुनील। अरे यार पीछे जा यार, अरे ना पीछे जाओ यार, सुनील थोड़ा हटना भाई। ओए चलो पीछे आना भाई, समझ में नहीं आता तेरा। अरे भाई वो भाई 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 सब सबको दूर खड़े रहिए, मिल जाएगा अपने भर जाओ। ए भाई तू पीछे आना, इसे सामने खड़े आने का शॉट मिला, फिर खड़ा कर दिया फोटोग्राफर ने। अरे यार भाई फोटोग्राफर लोग को क्या चाहिए जरा समझाना उन लोग को। भाई अपने आप कैश ऑफ कर लेना, भाई कोई नहीं चलेगा, फोन सब बंद कर लेना अपना। बात कम कर
सब जगह पटेल लोग हैं। रहने दे, हम लोग नहीं बनते कभी कभी, कभी कभी नहीं, हम रोज बनते पटेल। छोड़ दे, समझ में नहीं आ रहा सुनिए। अपने फोन साइलेंट पे डाल लो पहले, तो किसी का होगा बैरिकेड के इधर ट्रैप लगा लगाने हाँ जी रेडी हाँ, इसे रेडी आगे और
Pulling cam and action. अपने थोड़ा सा पीछे पीछे लेना पीछे लेना भाई पीछे लेना पीछे जाओ पीछे लो सबको एहसास
तो भाई थोड़ा पीछे रहेंगे फिर एल सी डी एल सी डी आ रहा है मेरे एंड वाज अ लिटिल या किसी की साजिश का शराब का ओवरडोज था या किसी की साजिश ऑर्डर चलो पीछे तो पीछे पीछे चलो ना जूम कर देते हैं ना पीछे ना जूम करना इधर रे डबिंग के लिए जा रहे चलो चलो ऑडियो डबिंग Yes. Hi, Mika, really good to see you. Hi, good to see you. एक अलग तरह का एपिसोड शूट करा गया था और क्या ब्रीफ था और किस तरह का एपिसोड होगा भैया? You know, सावधान इंडिया जो है बहुत पॉपुलर है. लाइफ ओके का हाईएस्ट टीआरपी शो है और आई थिंक देयर वाज नो बेटर शो टू प्रमोट कहानी टू ऑन, क्योंकि कहानी टू में मैं एक वांटेड क्रिमिनल का किरदार निभा रही हूँ. क्या मैं वो हूँ जो मैं दिखती हूँ, क्या मैं नहीं हूँ वगैरह वगैरह का खुलासा जो है फिल्म में होगा. पर इसमें हफ्ते दर हफ्ते किसी ना किसी क्राइम का पर्दाफाश हो रहा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक टाई अप है, बहुत अच्छा एसोसिएशन है. एंड
जिस केस के बारे में मैं इस एपिसोड में बात कर रही हूँ वो तो जब देखेंगे तब पता चलेगा, पर बेसिकली इट्स अबाउट कि एक लड़की जिसको शराब पीने का भी शौक है, उससे उसके ज़िंदगी को ख़तरा है जिसकी वजह से एक्चुअली उसकी मौत हो जाती है, तो फिर सब बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये शराब पीती थी और इसी वजह से ये लोगों के साथ इसका घुलना मिलना ठीक नहीं था। और तो इस तरह के जजमेंट्स जो हैं लड़की को लेके, औरत को लेके, उस पर मैं सवाल कर रही हूँ। आई थिंक दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स मी टू सावधान इंडिया। ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा आपको। इफ आई टेल यू एनीथिंग नथिंग विल बी अ सरप्राइज, तो मैं कुछ बताऊंगी नहीं। किसी से डर लगता है विद्या? चिपकली से और सांप से, इन दो चीजों से बहुत डर लगता है। जैसे ये पॉपुलर शो है, बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसा कोई एपिसोड आपने तक कोई देखा और आप डर गए हो यार, ऐसा भी होता है यार? नहीं, बहुत सारे ऐसे मैं ज्यादा टीवी नहीं देखती, पर कई बार मैंने देखा है, कुछ कुछ देख के घबराहट सी होती है, बिकॉज हमें अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों के दिमाग कैसे चलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, किस वजह से मजबूर हो जाते हैं कि किसी का वो मर्डर कर दे या किसी पे असॉल्ट करे। और कभी कभी बहुत ट्रस्टेड लोग भी ऐसे करते हैं, तो इट्स आई थिंक हम सब स्पेशली इन बिग सिटीज, एक्चुअली सब जगह इस इनसिक्योरिटी से जूझते हैं। तो आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी वन एपिसोड, पर बहुत सारे मैंने एक एपिसोड सेक्शुअल अब्यूज़ पे देखा था, और एक्चुअली वो मैं पहली बार टीवी पे कुछ देख रही थी ऐसे, तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, इट्स, मुझे नहीं पता था कि टीवी पे ऐसे सब दिखाते हैं, पर इट्स ग्रेट बिकॉज उससे अवेयरनेस बढ़ती है। जो बहुत ऐसे केसेस हैं, सॉरी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम, जैसे कि आपने कहा कि ट्रस्टेड लोग भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम उम्मीद नहीं करते, तो विद्या बीइंग अ वुमन, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपने फैंस को बताना चाहेंगी कि यहाँ आपको बच के रहना चाहिए, या इस इन चीज़ों हिदायत कोई अगर आप ये यहाँ बैठ के मैं बहुत कुछ ज्ञान दे सकती हूँ, पर जैसे वो जो मोनिका के साथ हुआ गोवा में, वो परफ्यूमर जो है, वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके वॉचमैन ने जो किया, इट्स बहुत डरावनी चीज़ है वो। तो आई डोंट थिंक ये चीज़ें प्रीएम्प्ट की जा सकती हैं, पर जितना हो सकता है हम अगर सिक्योरिटी मेजर्स लें, जैसे मैं जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहती रहती हूँ, स्पेशली जब लेट ट्रैवल करते हैं, तो आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके द्वारा यू कैन कीप इन टच विथ 2-3 पीपल जिनको पता होगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं, तो वो ऐप यूज़ करें, या पुलिस ने एक ऐप निकाला है तो उस ऐप का फ़ायदा उठाए। आई एम नॉट श्योर वॉट इट्स कॉल्ड, बट वो एक बहुत इफ़ेक्टिव ऐप है, सुना है मैंने जनरली। हाँ, वॉट इंडिकेटर? वुमेन एम इंडिकेटर या वुमेन सेफ्टी एम इंडिकेटर। सो आई थिंक एंड आसानी से किसी पे विश्वास ना करें, स्पेशली आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, आप किसी को इतने टाइम से देख रहे हैं, आपको आप उन पर विश्वास कर लेते हैं, पर इट्स स्कैरी। इसीलिए मैंने कहा कि जान पहचान के लोग अगर ये करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा डर लगता है, योर ट्रस्ट जस्ट गेट्स शेकन। एंड आई थिंक वेमेन शुड डेफिनेटली लर्न सम फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एटलीस्ट वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे कि अगर आप अपने आप को बचा सके तो इट्स ग्रेट। US presidential elections, I'm hoping and praying that Hillary Clinton becomes
द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं उनको फॉलो करती हूँ रोज बैठ के, उनकी वजह से मैं टीवी देखती हूँ, डिबेट्स देखती हूँ जो, एंड आई रियली थिंक इट्स टाइम वी हैड अ वुमन प्रेसिडेंट इन अमेरिका विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज एंड देन दुनिया भर वी शैल टेक ओवर. Yeah. So how difficult or how easy is for an actress to put on weight or lose weight? I think it's for, it's as easy as it is for anyone else, or as difficult. Any tips you would like to share with the fans? No, not at all. Thank you. Thank you. आने वाले कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में, I mean आपका इतना पुराना रिलेशन रहा है कोलकाता के साथ बहुत सारी फिल्मों, so कुछ कोलकाता में. पिछले साल मैं कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में थी. बहुत मज़ा आया था. मिस्टर बच्चन, जया जी, शर्मिला जी, मौशमी चैटर्जी सब थे. पर इस साल मैं नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ प्रमोशंस. और एक्चुअली बहुत, जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मैंने एक्चुअली, मेरे करियर की पहली फिल्म एक बंगाली फिल्म थी, तो हाँ भालू थे को, तो उस वक्त आई वॉज यू नो इन्वाइटेड देयर, और मैं बैठ के मैंने सारी फिल्में देखी. और वो माहौल, एक फिल्म फेस्टिवल का माहौल ही बहुत अलग होता है, दैट टू कैलकटा में, जहाँ सबको फिल्म का बहुत शौक है और ओपिनियन है और नॉलेज है. तो आई विल मिस बीइंग देयर दिस ईयर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. Okay.